हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोमास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे शनि राशि परिवर्तन का मकर राशि पे प्रभाव। ये जो शनि राशि परिवर्तन होने वाला है या जो गोचर हो रहा है, अभी शनि अब धनु से निकलकर मकर में जाएंगे। और ये कब जाएंगे? 24 जनवरी 2020 को दिन में 12:10 पर शनि मकर में प्रवेश करेंगे। और इस पूरे गोचर के दौरान जो बड़े प्रभाव पड़ेंगे वो 4 राशियों में पड़ेंगे, जो कि वृश्चिक है। वृश्चिक को अभी शनि साढ़े साते से मुक्ति मिल जाएगी 24 जनवरी को। धनु राशि वालों को अंतिम चरण शुरू होगा। मकर राशि वालों को शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और कुंभ राशि वालों को शनि साढ़े साती शुरू हो जाएगी। तो मकर राशि वालों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और आप ये भी कह सकते हैं कि शनि जो है वो मकर राशि में जब आएगा तो मकर राशि वालों पर शनि साढ़े साती के दूसरे चरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, या राशि परिवर्तन का, जो भी आप कहना चाहें। तो दोस्तों, शनि का एक चीज़ आपको भी पता है, शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है। आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपको न्याय मिलेगा। ये हो सकता है आपको, आप जो कर्म कर रहे हो आपको पता ना हो, जाने अनजाने आपसे गलतियां भी होती हैं, सभी से होती हैं, तो उनका परिणाम भी अब आपको भुगतना पड़ता है। तो सिंपल सा ये हुआ, अब ये 2.5 साल किसी एक राशि में जब बैठते हैं शनि, और अगर आपने कुछ गलत किया है या आपके कुछ भी नेगेटिव चीज़ें रही हैं और शनि कुंडली में नेगेटिव पोजिशन में है या उसकी प्लेसमेंट गलत है, तो आप पर भी नेगेटिव प्रभाव आएंगे शनि की राशि परिवर्तन के दौरान। और अगर मकर में रहेंगे शनि तो आप पर भी प्रभाव आएंगे, और अगर ये शुभ है तो शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम इस पूरी चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस लाइफ के एरिया में आपको नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे और किस एरिया में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, और ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप ऐसे वीडियो एंजॉय कर सकें। दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे शनि का राशि परिवर्तन और इसका मकर राशि पर प्रभाव। दोस्तों, मकर राशि वालों के शनि 12वें भाव से निकल के आपको आएगा फर्स्ट हाउस में। तो दोस्तों, अब जो पहले पिछले 2.5 साल में जो मकर राशि वालों ने खर्चे देखे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चों के दौर से गुजर रहे थे वो, उनके पास खर्चे ऊपर नीचे चल रहे थे, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम भी चल रही थी, या फैमिली को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, या उनके एनिमीज उनको परेशान कर रहे थे, या आप ये लगा लो कि उनके जो बीमारियाँ थी उनके ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन में कोई खर्चा हो रहा था, बीमारियों में डॉक्टर्स के पास पैसा जा रहा था, वो बचना शुरू हो जाएगा। अब जब धनु से निकल के शनि मकर में आएंगे, अब मकर में आके वो कुछ और नया प्रभाव देंगे। अब वो क्या देंगे? दोस्तों, जब यहाँ पे शनि आएंगे तो शनि की अपनी खुद की राशि है, खुद की राशि के लिए शनि शुभ है। अब मकर में शनि जब फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो ये आपकी चिंताएं थोड़ी कम करेंगे। अब आप पहले से ज़्यादा समझदार दिखोगे, आपकी बुद्धि सही काम करने लगेगी, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपकी जो परसेप्शन है, आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाएगा पहले की बजाय। दूसरा क्या है, अब आपका अध्यात्म में, धार्मिक चीज़ों में आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। अब आप सोसाइटी को भी एक अलग नज़र से देखने लगोगे, सोसाइटी भी अब आपको अलग तरीके से समझेगी और देखेगी। इसमें अब आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा सब बढ़ने के योग बनेंगे। लेकिन यहाँ से बैठ के वो अपनी सात्विक दृष्टि भी डालेंगे शनि चौथे भाव, अपनी जो सात्विक दृष्टि है वो जारी है सातवें भाव पर। अब शनि की स्पेशल जो विशेष दृष्टियाँ होती हैं वो तीन होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं। तो जब वो अपने सामने बिल्कुल सातवें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वहाँ पे कुछ आपको गलत चीज़ों का एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसी ग्रह स्थिति कह रही है। स्पेशली आप ही मान के चलिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बिजनेस छोड़ना पड़ सकता है, आपको बिजनेस डाइवर्ट होना पड़ सकता है, आपकी पार्टनर को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या वो आपके साथ किसी तरह का चीटिंग या फ्रॉड कर सकता है। जहाँ तक स्पाउस की बात है, उस फ्रंट पे भी प्रॉब्लम होने वाली है या होने की पूरी संभावना रहेगी।
यहाँ पे आपकी और आपके पार्टनर की मनोस्थिति में जबरदस्त परिवर्तन आएगा और बिल्कुल अपोजिट दिशाओं में चलेगी। तो दोनों के अंदर मानसिक तनाव और दोनों में विवाद झगड़ा ये बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। अब चंद्रमा यहाँ पे है तो मानसिक स्थिति को लेके ही समस्याएं खड़ी होंगी। आपका ईगो बढ़, आपका ईगो क्लैश कर सकता है, आपका परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, जो भी है चीज़ों को देखने का रवैया, आपका बिहेवियर ये पूरी तरह बदलेगा और बिल्कुल अपोजिट होगा एक दूसरे के। तो स्थितियाँ ज़्यादा गंभीर होने की संभावना बनती है। दूसरा एक ये भी है, आप पब्लिक में सोसाइटी में भी आपके रिलेशन थोड़े ख़राब होने की संभावना बनती है जब शनि यहाँ देखते हैं। तो दूसरा ये है कि अगर आपको पेट के नीचे कोई रोग है तो वो दोबारा बढ़ सकते हैं, उनमें दोबारा बढ़ने की संभावना रहेगी। लोअर बैक पेन भी आपको अगर है तो वो दोबारा आपको परेशान कर सकता है। लेडीज़ को गायनिकल प्रॉब्लम्स दोबारा हो सकती हैं। आपका स्पाउस का इनका है, इनके कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। इनकी लाइफ में अगर थोड़ा ज़्यादा तनाव बढ़ता है तो हो सकता है कोई भी तीसरा बीच में आए, इससे ज़्यादा संबंध खराब हो सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, व्यवहार सही रखना है, अदरवाइज चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ सकती हैं। और आपको बिजनेस को लेके भी, आपको जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें रुके रहिए या सोच समझ कर चीज़ों को आप मॉनिटर करिए, बिजनेस डाइवर्ट मत करिए। और अगर करना चाहते हैं तो किसी अच्छे आपके दोस्त से या किसी कंसल्टेंट से गाइड ले लीजिए, गाइडेंस मिलने के बाद ही आपको बड़ा स्टेप उठाइए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब दोस्तों ये तो थी सातवीं दृष्टि, अब वो तीसरी और दसवीं दृष्टि से भी कुछ फल दे रहा है। अब तीसरी दृष्टि से वो तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है जहाँ पे बृहस्पति की राशि है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा फायदा मिल सकता है क्योंकि बृहस्पति शत्रु नहीं है शनि के, थोड़े सम हैं। तो वहाँ पे क्या है, आपको अपने भाई बहनों से भी, छोटे भाई बहनों से खासकर आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना बनेगी। वो आपको सहयोग करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके मित्र हैं जो अब तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपको गलत समझते थे, वो भी अब आपके साथ आएंगे, आपके साथ खड़े होंगे और आपको हर चीज़ में मदद करेंगे और आपके लिए आगे आएंगे। आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं या पहले कर रहे थे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, अब उनसे यात्राओं से भी आपको फ़ायदा होने लगेगा। आपको अगर कोई खांसी की, दमा की, स्वास्थ्य की इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई एलर्जिक है या कोई ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है या ईएनटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपकी माता या पिता का स्वास्थ्य पहले की बजाय सुधरेगा, आपकी आयु लंबी होने के योग बनेंगे, आपकी इम्यूनिटी इस दौरान बढ़ी रहेगी, आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, आपका साहस बढ़ा रहेगा, आपका धैर्य भी अब टेस्ट होगा, धैर्य आपका सही रहेगा, आप हर चीज़ों में धैर्य से काम लेंगे और चीज़ों को सही तरीके से टैकल करेंगे। और यहाँ पे आपको बाजू में कंधे के आसपास कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जिसमें कोई पेन हो तो वो इस तरह का पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि गर्दन में जो पीछे पेन है कोई इस तरह का कोई बीमारी है या कोई नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। जो लोग मीडिया में, कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, बुक राइटिंग में, पब्लिशिंग में हैं उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, जो रिसर्च में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, इन लोगों से, ये जो प्रोफेशन कर रहे हैं और इन प्रोफेशन रिलेटेड जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। वो चाहे इसमें बिजनेस कर रहे हों, चाहे इनमें जॉब कर रहे हों, उनको पूरी तरह फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों अब दसवीं दृष्टि से शनि देखेंगे दसवें भाव को। दोस्तों दसवें भाव को जब देखेंगे शनि तो यहाँ पे भी आपके लिए अच्छी खबरें आएंगी। आपको यहाँ पे नौकरी में अच्छी तरक्की मिलेगी, नौकरी में आपके साथ, आपके बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, आपकी लाइजनिंग ट्यूनिंग अच्छी होगी, आपके कुलीग्स के साथ भी आपका व्यवहार सही रहेगा और वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके सबॉर्डिनेट भी हैं वो एज ए टीम वर्क काम करेंगे और आपका जो गोल है, विजन है, टारगेट है उसको अचीव करने में पूरा सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी अटकी हुई है या किसी भी लेवल पे कोई फाइल अटकी हुई है जो गवर्नमेंट से काम होना है, वो चाहे आपकी कोई पर्सनल लेवल का काम करवाना हो या फिर आपको आपका ऑफिस रिलेटेड काम करवाना हो या फिर गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो या गवर्नमेंट सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई बातचीत हो, उसमें कोई भी चीज़ वो अनजान तक पहुँचाएगी और उसका अब रिजल्ट आपको मिलेगा, वो आपके फेवर में जाएगी। आपका काम में अब इंटरेस्ट बढ़ेगा, अब आप कर्म ही पूजा है के सिद्धांत को फॉलो करेंगे और उस पर अब काम भी करेंगे और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। पिता के साथ भी इस दौरान आपके संबंध सुधरेंगे, सरकार से हर तरह का लाभ मिलेगा, आपकी मान, आपका प्रतिष्ठा वो सब बढ़ेगी, आप सही कर्म करने की राह पर अब आगे बढ़ेंगे।
अब आप कोई शॉर्टकट नहीं सोचेंगे सफलता के लिए जो पहले अब तक प्लानिंग करते आ रहे थे, जो गलत तरीके अपनाने की जो प्लानिंग करते थे या सोचते थे, जो आइडियाज़ दिमाग में आ रहे थे, अब आप उनसे बाहर आ जाएंगे और अब आपकी बुद्धि सही काम करना शुरू करेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे, जो में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और वो आपका प्रमोशन भी कन्फर्म होना है इस दौरान, वो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, मकर में शनि का आना बहुत शुभ रहेगा, सिर्फ पार्टनर वाइज या अपने स्पाउस को लेके उस फ्रंट पे थोड़ा प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सीरियस लेवल की है अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आप अगर इसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करेंगे, टैक्टफुली हैंडल करेंगे तो इस चीज़ से बच सकते हैं। बाकी आपको शनि यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम देने वाला नहीं है, वो आपके कैरियर में फ़ायदा दे रहा है, आपको आपके आपको भाई बहनों से दोस्तों से सबसे सपोर्ट मिल रहा है, आपको आप खुद मेंटली रिलैक्स फील करेंगे, ये सब तरह से बढ़िया है। बस सिर्फ आप ये करिए, आपको कोई भी रेमेडीज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, चीज़ों को ढंग से मॉनिटर करिए, आप कोई भी डिसीजन लें तो किसी की एडवाइस मिले, किसी की गाइडेंस मिले, तभी आप आगे बढ़ें और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और शांत बने रहें, धैर्य से काम लें, आपका ये पीरियड अच्छा निकल जाएगा और आपको सक्सेस देके जाएगा और आपको सक्सेस उस लेवल के देके जाएगा आपको ज़िंदगी भर हमेशा याद रहेगी। ये 2.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके करियर पॉइंट वाइज। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें और ताकि जब भी ऐसी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसी वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू।